ये क्या है करिश्मा सिंह? हमने आपको उन घुसपैठियों को घर से बाहर निकालने के लिए कहा था, उनके साथ बैठकर समोसे खाने के लिए नहीं। देखिए मैडम सर, ऐसा है कि हमने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया है। हमने तो आपको वचन दिया है कि अब आपके तरीके में हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। आपको हमारा जरूरत है तो आप हमें बताइएगा, हम आपका हुक्म मानेंगे और ड्यूटी बजाने आ जाएंगे। जय हिंद। जाने दीजिए ना उन्हें मैडम सर, हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसी है वो स्वभाव की अड़ियल एकदम। और वैसे भी कितने दिनों तक ऐसी शांत रहेंगी वो, अंदर का भौकाल कब तक उन्हें शांत रखेगा? जिस दिन बांध टूटेगा ना, आप फिर देखिए कैसे अपने भौकाल पे फिर से आ जाएगी वो। हाँ, किसी से रोके नहीं रुकेंगी, ऐसे ही उत्पाती राशि की है, ऐसे नहीं शांत रहने वाली वो। मैडम सर, आप मुझे दीजिए परमिशन, मैं जाके निकालती हूँ उन घुसपैठियों को। ऐसा भौकाल दिखाऊंगी ना अपना कि उनकी सात पुश्तें भी कभी खुद के घर में नहीं घुसेंगी। आप बस परमिशन दीजिए मुझे। हाँ हाँ संतु, चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, और दोनों गुंडागर्दी करने वाली सास बहू को ना घर से बाहर निकाल दे। हम हद हो गई, घर है, बस की सीट थोड़ी ना है, जो बैठा उसकी हो गई है ना। दोनों मिलकर उन दोनों को बाहर निकालते, चलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जाइए, लेकिन जो कुछ भी करिएगा कानून के दायरे में रहकर करिएगा, क्लियर? जी मैडम सर। जय मैडम। जय। देख सोए? देख रहे हैं मैडम सर। ये क्या है? मैडम सर, मैडम सर। संधु जी, क्या हुआ? मैडम सर, पुष्पा जी। क्या क्या हुआ पुष्पा जी को? अरेस्ट हो गई है वो। क्या? किसने किया? बुलबुल पांडे ने। बुलबुल पांडे ने? बुलबुल पांडे? क्या, क्यों क्यों अरेस्ट किया है? छेड़छाड़ के जुर्म में। एक मिनट संतु जी, आप ना थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप ना थकी हारी आई है, एकदम सब कुछ उल्टा उल्टा बोल रही है। हमको लगता है ना कि आपके कहने का मतलब ये है कि बुलबुल ने किसी के साथ छेड़खानी की है तो पुष्पा जी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, पुष्पा जी को अरेस्ट किया है बुलबुल पांडे ने छेड़छाड़ के जुर्म में। पुष्पा जी, माँ माँ कैसे किसी को छेड़ सकती है? बिल्कुल नहीं, ये माँ की बिल्लू इमेज के साथ छेड़छाड़ हो रही है। संतोष, शांत हो जाओ और तफसील से सारी बातें बताओ। आपको नहीं बताऊं मैडम से, मैं किसको बताऊं? तफसील मतलब डिटेल, विस्तार। कैसे रे तुम दोनों को पुलिस में भर्ती किया? उर्दू मैडम सर, हम गए थे थोड़ा स्ट्रिक्टली उनको बोला घर खाली करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे पुलिस थाने में कॉल किया और ये बोल दिया कि हम गैर कानूनी तरीके से उनके घर में गए हैं, मारपीट करे। और कौन से थाने में कॉल किया आप लोगों को पता है? जानकीपुरम थाना में। हाँ, बुलबुल पंडैया को। हाँ, हम लोग के जानी दुश्मन को फोन किया। बुलबुल पांडे, विलन इज बैक। एक मिनट, ये छेड़छाड़ का इल्जाम मतलब हमें समझ में नहीं आया ठीक से। वो वैम्प है ना, वो उनकी सास, क्या नाम है? शांति। हाँ, उन्होंने क्या किया, खुद ने खुद के कपड़े फाड़ दिए और पुष्पा जी पर झूठा इल्जाम डाल दिया कि वो मारपीट करी और पुष्पा जी ने उनके कपड़े फाड़े। मैडम सर, आपने तो वादा किया था ना कि आप हमें हमारा घर वापस दिलाएंगी और कुछ ही घंटों में घर भी खाली करवा देंगी, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो आप उल्टे ही उनके प्रपंच में फंस गई हैं। कल हमारी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हम आपको एक बात साफ साफ कह रहे हैं, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। मैडम सर, मुझे लग रहा है कि ये सब जानबूझ के हो रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर किरायेदार जो है ना वो फेक FIR जो है वो रिपोर्ट करवाते हैं ताकि कोर्ट में उनका जो केस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए और मजबूत हो जाए। सर, सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सर सुन रहे हमारी बात, हम आपसे कुछ कह रहे हैं। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं सर, ये सब चाल है उन लोगों की। आप तो हमें जानते हैं, आप ये भी जानते हैं ना, हम ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। पुष्पा जी, कहा पुष्पा जी, अरे कहा इतना हो हल्ला मचा रखा है? अरे पूरा थाना जो है उस सर पे उठा रखा है आपने। देखिए बात यहाँ हमरा भरोसा का नहीं है, बात यहाँ है कायदा और कानून का, और कायदा और कानून सिर्फ गवाह और सबूत पे चलता है, और यहाँ पे सारा गवाह और सबूत आपका खिलाफ है। और देखिए फिर हमको हमरा ड्यूटी तो बजाना है कि नहीं? हाँ, बाकी रहा आपका और हमरा जान पहचान का बात,
तो आपको एकदम गर्मा गर्म अदरक वाला कड़क चाय भेजे थे कि नहीं लॉकअप में? वैसे अगर आप एक बात भूल गए हैं तो हम आपको याद दिला दें, हम किसकी सास है? करिश्मा सिंह की। अगर उनको पता चला ना तो ठीक नहीं होगा आपके लिए, चेता रहे आपको। धमका रही हैं आप हमको? याद दिला रही है, कुत्ते की मौत आती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अपनी मौत को बुलावा देता है। सर, ऐसा आप कहते सर, अगर हम आपकी जगह होते तो। देखिए सर, अभी भी समय है, हमें जाने दीजिए। हम खुद यहाँ से चले गए ना तो भी बात संभल जाएगी, मगर अगर अगर करिश्मा जी हमें यहाँ लेने के लिए आ जाएंगी ना तो फिर आप तो जानते हैं कैसे गाजे वाजे के साथ हमको यहाँ से लेके जाएंगी वो। मैडम सर, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम धरती पर पैदा हो गया, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा रे तुम्हारे साथ? कैसा कुछ भी बोलता है। बुलबुल पांडे के साथ बुरा होगा जब ये बात करिश्मा मैडम को पता चल जाएगी कि बुलबुल पांडे ने पुष्पा जी को अरेस्ट किया है, तो विद इन अ सेकंड करिश्मा मैडम बुलबुल पांडे को रेस्ट इन पीस कर देगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो करिश्मा मैडम की भौकाल की वजह से हमारे थाने की आन बान शान याद आ जाएगी मैडम सर। एक मिनट, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम नहीं कहते करिश्मा सिंह को कोई कुछ नहीं बताएगा। बता दिया क्या? आते आते सबसे पहले उन्हीं को फोन करके बताया कि बुलबुल पांडे ने पुष्पा जी को अरेस्ट कर लिया। संतोष शर्मा, ये क्या किया आपने? वैसे हमारे थाने पर कम मुसीबतें हैं जो आपने एक, और अब करिश्मा सिंह जो है जानकीपुरम थाने जाएंगी। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत है। काट दिया। अब आएगा खेल का मजा। ससुरा आत्मा अंदर से फड़फड़ा रहा था इतने दिनों से कि कब जाके हमको अवसर मिलेगा ये महिला पुलिस थाना वालों का कुंडली में उथल पुथल मचाने का। अब जाके मौका मिला है। ऐसा नस हाथ में आया है कि अगला पिछला सारा हिसाब बराबर हुई जाएगी। अबे क्या कर रहा है? नाप ले रहे हैं सर। काहे का? अरे आपका आर्थिक ऑर्डर जो देना है। यमराज खुद आ रहे हैं आपको ले जाने अपने वाहन पे। सर आ गई, आप पैर पकड़िए, हम पुष्पा जी को खोलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। जय हिंद। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको इस तरह देखकर हमें कितना खुशी महसूस हो रहा है कि आप जैसे इंसान अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी को कितना गंभीरता से लेते हैं। मतलब आपने पुलिस होकर पुलिस के बारे में नहीं सोचा, अपने फर्ज के कर्म को सबसे ऊपर रखा। कितना गर्व महसूस हो रहा है आपको देखकर। इससे पहले हम आपको बहुत बेईमान, कामचोर, रिश्वतखोर, टोपा, मुफ्तखोर, जलील, चोर, दो कौड़ी का गिरा हुआ इंसान, मोटा भैंस और मैडम वो बिस्कोपड़ा भी। हाँ, इसी टाइप का इंसान आपको समझते थे, लेकिन आप तो एकदम कमाल के इंसान निकले। आप इतने निष्ठावान पुलिस वाले हैं, इतने ईमानदार पुलिस वाले हैं, हमने आपको बहुत गलत समझा। माफ कर दीजिए उसके लिए, सच में। और इनकी तरफ से भी हम माफी मांग रहे हैं, आप समझ जाइए। देख कर आया, वीडियो निकाल, वीडियो। ऐसा ऐतिहासिक पल फिर कहाँ देखने मिलेगा? चल। अरे क्या बोल रही हैं आप, हमने कुछ किया ही नहीं है। माँ ऐसे कैसे कुछ नहीं किया? कुछ किया तभी ना उठा के लाए आपको। हाँ, ये तो टोपा थोड़ी ना जो फालतू में उठा के ले आएंगे, है कि नहीं है? अब हम माफी मांगते हैं इनकी तरफ से, अब माफ कर दीजिए। माँ जैसी है आपकी, छोटी बहन जैसी। गलती हो गया है इनसे, माफ कर दीजिए आप, ठीक है?
ठीक है, अब आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो छोड़ ही देते हैं। आप मतलब भर्ती के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अरे साहब, छोड़ दिया। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। चलिए पुष्पा जी, धन्यवाद। अजी तो मेरे सामने अपना घुटना टेक दी है, बहुत ही जल्द उस हसीना मलिक का भी बारी आएगा। नहीं नहीं, कितने भी पैसे दे दो, ये काम मैंने छोड़ दिए है। ये बाप रे, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, टक्कर टक्कर। चीते निठल्ले, क्या हुआ, कहां है, ऐसा चिल्ला रहा है? ये देख। हाँ पुष्पा जी, हाँ मैं कर दूंगी अपडेट मैडम से को जी। ये संतोष शर्मा कोई ये किचन बाहर कैसे आ गया? ये तो कुछ भी नहीं है मैडम जी, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ ना, तो अंदर जो बेड पड़ा है ना, वो भी बाहर आ जाएगा। प्लीज कोई अच्छा अपडेट दीजिए। गुड न्यूज है मैडम सर, करिश्मा मैडम ने बिना अपना भौकाल दिखाए, बिना मारा पीटी किए पुष्पा जी को बुलबुल के थाने से छुड़वा लिया। क्या? अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। थैंक गॉड, चलिए कम से कम एक मुसीबत तो टली। हाँ मैडम, कल हमारी बेटी आलिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, और अगर ऐसे में सुलझा नहीं कुछ भी, तो हमारी बेटी का रिश्ता कहाँ और कैसे होगा? देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको आपका घर वापस मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इस थाने को तो आपने अपना घर बना ही लिया है, हम आपके घर वाले बन जाएंगे, आप लड़के वालों को यहीं बुला लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता जो है आपके घर में हो, क्योंकि इस तरह के शुभ काम अपने घर में हो तो ही बेहतर है। लेकिन ये सब कैसे होगा मैडम? होगा, जरूर होगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मारता उसे सच्चाई का तीर ही है। चीता, संतोष, आप लोग अपना अपना सामान बांधकर तैयार रही, क्योंकि अब हम इनके घर को बस की सीट ही बनाने वाले हैं, जो बैठा सीट उसकी। देखिए करना ये है कि जैसे ही ये सास और बहू घर से निकलेंगे थोड़ी देर के लिए, आप दोनों को उनके घर पे कब्जा जमाना है, उसके आगे क्या करना है वो हम बता देंगे, क्योंकि अब होने वाला है जैसे को तैसा। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अरे भाई, हम सब जानते हैं, आप एक काम करिए, हेडक्वार्टर आइए, आपसे बहुत आवश्यक बात करनी है। जी सर, अभी आ गए। इनसे मिली, ये हैं कमल कुलकर्णी, डिपार्टमेंट के स्पेशल विभाग से है। इनका काम है हर थाने में जाना और सर्वे करना और रिपोर्ट बनाना, और उसी आधार पर उस थाने को रैंकिंग सर्टिफिकेट देना। इन्हीं की रिपोर्ट तय करती है कि कौन सा थाना कितना अच्छा प्रदर्शन करता है और कौन से थाने को कितनी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। आशा है कि आप इनके काम का महत्व समझ गई होंगी। बिल्कुल समझ गए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और भाई, आप तो इन्हें जानते ही होंगे, SHO हसीना मलिक महिला थाना। इन्हें कौन नहीं जानता, पूरे डिपार्टमेंट में इनकी चर्चा है, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। और भाई, ये बहुत जल्दी आपके थाने में सर्वे के लिए आने वाले हैं, और सुनिए, नाक नहीं कटनी चाहिए। कमल सर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, इनफैक्ट हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि डिपार्टमेंट अपने लोगों को लेकर इतना कंसर्न्ड है। तो बताइए सर, कब आएंगे आप थाने? ये सरप्राइज विजिट होगी, मैं कभी भी आ सकता हूँ। जी सर, प्लीज आइए, कभी भी आइए, इनफैक्ट वी विल बी वेटिंग फॉर यू। सर अगर आपकी इजाजत हो तो हम चलें, बहुत सारा काम है। हाँ भाई, जाइए जाइए, अपनी ड्यूटी कीजिए आप, हैं? जय हिंद सर। जय हिंद। ये बुलबुल पांडे वीडियो मैसेज कब से भेजने लगे? माँ ऐसे कैसे कुछ हो नहीं किया, कुछ किया तभी ना उठा के लाए आपको। देखिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं, इनकी तरफ से माफ कर दीजिए, आपकी माँ जैसी है। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद पांडे जी।
बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रहा, बहुत दिल में ऐसा कुछ कुछ। छोड़िए, कैसा लगा? ना कैसा लगा बुलबुल पांडे का वेलकम बैक धमाका? क्या है कि आदत से मजबूर है हम, बुलबुल पांडे आए और नया विस्फोट ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये है हमारा नया विस्फोट। बूम। कैसा आपका थाने का कमजोर, लाचार, बेबस, थका हारा, पिल पिला सा भौकाल है? इसी पे आपका थाना बहुत उछल रहा था ना। देखिए कैसा हमारे सामने हाथ जोड़ के ऐसा प्रार्थना कर रही है, छोड़ दीजिए पुष्पा जी को, छोड़ दीजिए। आजी ये अपने घुटने पे आई है, कल आपका बारी होगा। बहुत बेइज्जती की है ना हमारा, किन किन के हिसाब होगा हसीना मलिक, किन किन के। क्या है पांडे जी, अगर आप अपने किस्मत में ही लिखवा कर लाए हैं हमसे फजीहत करवाना, तो किस्मत के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते। सो बी इट, जय। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। चाकू से एक मिनट हुआ ही, हम हैं आपके भतीजा चितेश्वर चतुर्वेदी। क्या कर रही हैं आप? चाकू? हम हैं। आप तो सीधा चाकू लेकर हमारे छाती पर चढ़ गई। ये क्या तरीका है चितेश्वर, अपने ही घर में खूनी जैसे दबे पाव चल रहे हो? दिल बैठ जाता हमारा नलायक। लेकिन पर हम तो लेट जाते ना बुआ, हम कौन सा ऐसा क्राइम कर दिए हैं कि आप चाकू लेकर सीधा हमारे ऊपर चढ़ गई बुआ? तुम दबे पाव क्यों चले आ रहे थे? वो हम आ रहे थे आपको बताने के लिए कि हम जा रहे हैं। बताने आ रहे थे? ऐसे 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 कोई बताता है? जा रहे हैं साथ में? हाँ। अच्छा, कहाँ? पुलिस का ड्यूटी फुआ, आप तो जानती ही हैं, कोई टाइम टेबल नहीं होता, कब कौन सा भारी कैसा केस आ जाए सर पर, हैं? हम लोग को तो रहना पड़ता है ना, इसीलिए एक भारी केस आया, उसी के सिलसिले में भी थाना जा रहे हैं हम लोग। हैं, हम निकलते हैं, आशीर्वाद दीजिए फुआ। प्रणाम भुआ। आइए आइए। अरे आराम से। चिरोड़ा फोन उठा, चिरोड़ा फोन उठा। चिर आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं। हम ना आपसे वादा करते हैं संतोष, हम ना हमेशा यहीं रहेंगे और हम लोगों के बीच में ना कोई भी नहीं आएगा। हाँ, ये दोनों रहस्यमय तरीके से घर से बाहर निकले हैं और चिरोड़ा फोन नहीं उठा रहा है। बक्सी भैया, जरूर कोई गड़बड़ है। अब हम भी देखते हैं जाकर क्या केस है। चितेश्वर, हम आ रहे हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप बैठकर किताब पढ़ रही हैं, खुश नजर आ रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। जी मैडम सर, खुशी का बात तो है ना, हमने पहली बार बिना हिंसा के, बिना भौकाल के जो है अपना कार्य समाप्त किया है। कितना आनंद आ रहा है हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हम आपके जज्बात के रास्ते पे निकल पड़े हैं। नहीं, बाहर दुनिया खुश, घर में लल्ला खुश, आज हम खुश। वो तो है मैडम सर, हमारे लल्ला को हमने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा है। इनके बदले हुए रवैये से हमारा लल्ला खुश तो बहुत हो गया है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई पुष्पा जी, लेकिन क्या है ना कि हमने इन्हें सुधरने के लिए कहा था, थाने की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। हमने धज्जियां उड़ाई है थाने की? अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए करिश्मा सिंह, आपने जो कुछ भी किया है सोच समझकर और जानबूझकर किया है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप कितनी सही हैं और हम कितने गलत। अब माफ कीजिएगा मैडम सर, मगर हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या किया इन्होंने। अभी बताते हैं। ये देखिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं इनकी तरफ से, माफ कर दीजिए, आपकी माँ जैसी है। पूरे थाने को इन्होंने शर्मसार कर दिया है, वो भी उस इंसान के सामने जो वैसे ही हमारे थाने के पीछे पड़ा रहता है।
जो मौका ढूंढता रहता है कि कब इस महिला पुलिस थाने को वो नीचा दिखा सके। बुलबुल पांडे, अब इनकी हरकत की वजह से उस आदमी की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये वीडियो भी उसी ने हमें भेजा है और साथ साथ ये वार्निंग भी दी है कि अब वो हमें सबक सिखाएगा।